लैंग्वेज। तो कुछ लोग हैं जिनको हिंदी एकदम क्लियरली नहीं समझ में आएगी, तो उसके लिए आई माइट रिपीट इंस्ट्रक्शंस और सम इन्फॉर्मेशन इन बोथ लैंग्वेजेस, सो प्लीज बेयर विथ मी। थोड़ा रेपिटेटिव हो सकता है क्योंकि आपको वही चीज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सुननी पड़ेगी, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी हु इज हियर आई थिंक इट मेक्स सेंस टू डू दैट। ओके, सो ऑन दैट नोट वी विल गेट स्टार्टेड। वी विल स्टार्ट बाय कंडीशनिंग, थोड़ा सा हम अपना ध्यान इसमें लगा सके इसलिए, तो आप आराम से बैठ जाएं, प्लीज सिट कंफर्टेबली, वेदर इट इज वज्रासन, सुखासन, व्हाटएवर पोजीशन दैट योर बॉडी इज कंड्यूसिव विद, सिट इन दैट पोजीशन। कीप योर स्पाइन टॉल, इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू लिफ्ट एंड रोल बैक योर शोल्डर्स। ओके, कांधों को उठा के थोड़ा घुमा के नीचे की ओर आप कर लें, कानों से दूर कर लें, पीठ को आप एकदम सीधा रखें, आप अपने हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा में जोड़ सकते हैं, जॉइन द टिप्स ऑफ योर थम्स एंड फोर फिंगर, दिस इज कॉल्ड द ज्ञान मुद्रा, एंड देन यू मे सिट कंफर्टेबल, जेंटली क्लोज योर आईज। वी विल स्टार्ट बाय स्कैनिंग थ्रू द एंटायर फिजिकल बॉडी, पैरों से शुरुआत करते हुए शरीर के एक एक अंग की ओर ध्यान लेकर जाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम योर टोज, स्लोली ड्रॉ योर अटेंशन अपवर्ड्स। इफ यू कम अक्रॉस एनी बॉडी पार्ट दैट सीम्स टाइटन्ड और क्लेंच्ड एंड इट इज विद इन योर कंट्रोल टू रिलीज दैट टाइटनेस, please do so. शरीर में कहीं भी अगर आप कोई तनाव को महसूस करें और आप उसे रिलीज कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, तो जरूर करें। Keep your spine upright, shoulders relaxed, and face forward. पीठ को बिल्कुल सीधा रखें, कांधों को रिलैक्स्ड रखें और चेहरा सामने की ओर सीधा रखें। इफ यू सेंस एनी टेंशन इन योर फेशियल मसल्स, प्लीज रिलीज द सेम। माथे पर अगर कोई शिकन हो तो उसे ढीला करें, पलकें हल्के से बंद रखें, होठों को भी आराम से बंद रखें। नो टाइटनेस, नो टेंशन टू बी मेंटेन्ड एनीवेयर अराउंड द बॉडी। अब अपना ध्यान अपने विचारों की ओर ले आए। व्हाटएवर थॉट्स आर अकरिंग टू यू नेचुरली एट द मोमेंट, स्टे अवेयर ऑफ दोज थॉट्स। Focus on those thoughts that will help you in today's practice. The more you focus on the productive thoughts, the more the other unnecessary thoughts will start receding. इस समय जो भी विचार आपके मन में, आपके दिमाग में आ रहे हैं, उनके प्रति जागरूक रहें। उन विचारों की ओर ध्यान लगाएं जो आज के अभ्यास में आपकी सहायता कर सकते हैं। जैसे ही आपका ध्यान उन विचारों के प्रति बढ़ेगा, बाकी के जो गैर जरूरी विचार हैं वो अपने आप दूर होने लगे। अब अपना ध्यान आती जाती सांसों की ओर ले आ। Right now, we are neither going to control the breath nor change it. Simply stay aware towards the natural rhythm of your breath. Ek baar gehri lambi saans bhare. धीरे धीरे रिलीज करें।
जब भी आप तैयार हो बहुत आराम से दोनों आंखें खोलो. व्हेनेवर यू आर रेडी वेरी जेंटली स्लोली ओपन. On that note, we will get started. So, a couple of instructions once again. There are some exercises, like I said, some activities that we will do as the session progresses. Towards the end of those activities, I would really like some of you at least to share your experience. Okay? So, whenever that time comes, I will let you know. And please feel free to volunteer, unmute, and share your experience for everybody's benefit. उसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल होता है, आई एम गोइंग टू शेयर सम इंफॉर्मेशन लाइक आई सेड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, प्लीज नोट देम डाउन. देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बाय द सेशन, बाय द टाइम द सेशन कम्स टू एन एंड, यू माइट गेट आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस एनीवे. अगर कोई सवाल छूट जाता है जिसका जवाब आपको नहीं मिला है, तो आप प्लीज टुवर्ड्स द एंड वो सवाल हमसे शेयर कर लें, एंड वील ट्राई आर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू देम. कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस समय नहीं है मेरे पास या शिफाली के साथ हु इज ऑल्सो हियर, देन वी विल बी हैप्पी टू रिसर्च दैट एंड गेट द आंसर. ओके, सो वील गेट स्टार्टेड ऑन दैट. नाउ यू, आज का सेशन थोड़ा सा अलग है और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. तो वन ऑफ द क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ योगा, शिव संहिता इज द नेम ऑफ दैट टेक्स्ट. उसमें ये कहा गया है कि प्राणायाम जो है उसकी चार अवस्था होती है. देर आर फोर स्टेजेस ऑफ प्राणायाम. नाउ द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड आरंभ. आरंभ और बिगिनिंग और कमेंसमेंट. सो दिस इज अ जर्नी दैट वी आर ऑल कमेंसिंग ऑन टुगेदर. यू माइट फाइंड दिस अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू मे हैव थॉट, बट आसन करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू प्राणायाम का अभ्यास करना. बिकॉज आसन में आप ज्यादातर, ऑल्दो देर इज एन इंटरनल एलिमेंट इन्वॉल्व, पर ज्यादातर हमारी जो अवेयरनेस है वो स्थूल शरीर या फिजिकल या ग्रॉस बॉडी तक लिमिटेड होती है. और बहुत सारे वॉलेंटरी मसल्स के साथ हम काम करते हैं. हम डिसाइड करते हैं हमको कब हाथ ऊपर करना है, कब हाथ नीचे करना है. ओके, वो हमारा ब्रेन कमांड देता है और शरीर उस हिसाब से मूव करता है. प्राणायाम इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग ऑल टूगेदर, वेर यू नॉट जस्ट वर्किंग विद द बॉडी but also with the mind, also with your thought, also with your emotion. Okay, which is why when you're initiating, जब आप आरंभ कर रहे हैं प्राणायाम की साधना में, तो कुछ चीजें अगर आपके दिमाग में क्लियर हो तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकती है इन टेकिंग यू फॉरवर्ड ऑन दिस जर्नी. विच इज वाई बेयर विथ अस टूडे वेन वी शेयर दिस इंफॉर्मेशन, सो दैट यू कीप दिस इन माइंड एंड यू गो फॉरवर्ड इन अ मोर rational and in a more better experiential manner on this journey. Okay, so that is one. अब दूसरा जो है कि प्राणायाम का पर्पस क्या है. एक तो हमको ये पता चल गया कि प्राणायाम के चार अवस्था या फोर स्टेजेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज आरंभ, जिससे हम शुरू कर रहे हैं. नाउ वॉट इज द पर्पस ऑफ प्राणायाम एट द स्थूल शरीर और द फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी के लेवल पे प्राणायाम का क्या मकसद होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं. तो वेरी सिंपल, एज यू मे हैव गेस्ट ऑलरेडी, कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, वो जो पूरा फंक्शनिंग है वो अपने बेस्ट लेवल पे काम कर सके, दैट इज द पर्पस ऑफ प्राणायाम. नाउ व्हाई इज दिस सो इम्पॉर्टेंट? कॉमन सेंसिकली इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सांस चलती रहती है तभी तक ही हमको जिंदा माना जाता है. ओके, सो दैट इज वन वेरी सिंपल कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारे दूसरे सिस्टम्स को, हमारे बॉडी के दूसरे सिस्टम्स को बहुत ही डीपली इंफ्लुएंस करता है. सो व्हेन द रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज परफॉर्मिंग एट इट्स ऑप्टिमम लेवल, इट इज गोइंग टू एनहेंस एंड इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द सर्क्यूलेटरी सिस्टम. तो हमारे जो हार्ट की फंक्शनिंग है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसको वो डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाला है. नाउ व्हाई इज द सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट? देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस. वन ऑफ द की रीजंस इज कि हम जो भी खाना खाते हैं, ओके, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसको ब्रेक डाउन करता है. देयर आर फाइव स्टेजेस ऑफ डाइजेशन. उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स को असिमिलेट करता है, उनको डाइजेस्ट करता है और फिर जो अनवांटेड चीजें हैं उनको एलिमिनेट करता है. सो व्हेन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज वर्किंग वेल,
That is when the nutrients will come into the bloodstream, the toxins will be eliminated from the body. Now, in a body that has more of toxins, diseases will gain ground. Jis sharir mein zyada impurities hain, zyada kachra jama hai, wo bahar nahi ja pa raha hai, wahi pe bimariyan janam lengi. So, the more your respiratory system works better the impact on the circulatory system, the better your digestive system is going to work, the more nirogi you are going to be. Okay? Bimariyan aapse dur rahengi agar ye sab kuch sahi chal raha hai to. Which is why at the gross level, at the sthula sharir level, the functioning of the respiratory system is extremely important. Which does not mean ki aap kuch bhi kha le aur pranayam kare to sab kuch theek rahega. Every discipline matters. Lekin agar ye sare system theek se kaam karenge, tab kahin jaake holistically we will be able to enjoy good health, as Ayurveda says. Okay, so the other thing that we need to look at now is ki respiratory system mein exactly kya hota hai. So there are many, many components. Humko pata hota hai ki lungs hote hain. Humko pata hai ki nostril se saans andar jati hai, lungs mein jati hai. So there is the entire apparatus and anatomy of it. Jisme se hum ek choti cheez ko samajhne ki koshish karte hain. Okay. At the base of the lungs, so nostril ke through saans hamari andar jati hai. Ab lungs ke andar, aap ek na ped ko imagine kariye. Visualize a vast tree, a big tree. A tree which will have a lot of branches and a lot of sub-branches. Okay? To badi badi tehniyan hoti hai, usme se choti choti tehni nikalti hai, aur fir har ek pe aapko phool, pattiyan, wo sab nazar aati hai. Bas aapko us ped ko agar aap ulta kar do, so that is what our apparatus, respiratory apparatus looks like. You invert the tree, okay? So you have the windpipe, which you can look at as the trunk of the tree, and then the branches and sub-branches begin, okay? Now the smallest of branches or the tehniya, jo hai, usko kehte hain alveoli, okay? Some of you may have heard this term. Alveoli jo hai, wo hamare lungs ke ekdam base mein hota hai, ekdam niche. Alright, so there are bronchioles, jo badi badi tehniya ya aap stems ya branches keh sakte hain, aur ekdam base mein jo sabse barik hoti hai, wo hoti hai alveoli. Okay, to jab hum saans bharte hain, wo pura sare apparatus ko par karke, wo niche alveoli tak pahunchni chahiye. This is very important because alveoli provides the respiratory surface, jahan se oxygen aur carbon dioxide ka exchange hota hai. जो alveoli है उसके जो walls होते हैं वो बहुत ही बारीक बहुत ही पतले होते हैं तो क्योंकि वो बहुत पतले होते हैं and because alveoli is very close to blood capillaries जहाँ से हमारा blood जो है वो pass होता है तो alveoli से जो oxygen है जब हम सांस लेते हैं सिर्फ oxygen अंदर नहीं जाता ना दूसरे gases भी अंदर जाते हैं that gets filtered so the alveoli releases that oxygen into the bloodstream and also takes away the carbon dioxide from that bloodstream. So the exchange of gases happens at the alveoli level. Now you might also know that after the age of 35, when a body reaches the age of 35, thereafter the lungs capacity starts shrinking. This is a biological process. ये हर किसी के साथ होना ही है and pranayam is a tool that equips you that provides you that power that energy to work on yourself so that you can delay this process we are all going to age okay we are not benjamin button so we are all going to age in that same chronological order but pranayam is a tool and a very powerful one that gives you that time and that power and that technique जिससे आप ये जो लंग्स का श्रिंकिंग का रेट है ना उसको आप स्लो डाउन कर सकते हैं यू कैन प्रिवेंट एजिंग एंड यू कैन कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट अ वेरी ऑप्टिमल लेवल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम कंसिस्टेंटली ओके सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड अबाउट हाउ अ बॉडी फंक्शंस एंड हाउ वी कैन वर्क इन सच अ वे दैट वी कैन मेक इट फंक्शन इन द राइट मैनर Stay disease free, stay at ease for a longer period of time. One of the reasons people fear aging
इज बिकॉज दे फियर द लॉस ऑफ देयर एबिलिटीज कि हम ठीक से चल नहीं पाएंगे, हमारी पाचन शक्ति या डाइजेस्टिव पावर जो है वो डिक्रीज होने लगेगा, नींद हमको ठीक से नहीं आएगी, यू नो वी माइट लूज कंट्रोल ओवर आवर सेंसेस आल्सो, वी माइट नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ मोटर स्किल्स जो हम 30 की उम्र में कर सकते थे वो हम 60-70 की उम्र में नहीं कर पाएंगे. वी नो ऑल दीज थिंग्स विच इज वाई वी फियर इट, बट वी हैव द टूल्स एंड मैकेनिज्म एंड द टेक्निक्स एंड द सीक्रेट्स दैट वी कैन यूज टू आवर एडवांटेज एंड मेक श्योर that we arrest these things, you know, we at least slow them down, if not completely prevent them. So this is something that we need to remember. Okay, now another thing, like I said, this is important in the long run, and that is why we know that the breath and body are inextricably interlinked. Sharir mein jab tak saans hai, tabhi tak humko zinda mana jata hai. ओके तो इनको हमने अलग किया मतलब स्टोरी ओवर, चैप्टर खत्म हो गया. जब तक ये दोनों है तब तक वी हैव द पावर, वी हैव द एबिलिटी टू फंक्शन द वे वी वांट टू एंड मेक श्योर दैट वी एंजॉय गुड हेल्थ. वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर एंड दे आर आल्सो कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल हम जो करते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, उसका हमारी सांस से कनेक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल When you are, you know, generally taking a stroll, आप टहलने के लिए निकले हैं तो आपकी सांस जो है वो एक लेवल पर रहेगी. आप सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे तो आपकी सांस जो है वो बदल जाएगी. आप अगर कहीं पे तीर्थ के लिए जाते हैं, you go for a pilgrimage, you going to a temple that has maybe, you know, 1000 steps, or it is at a steep, it is at an ascent, then obviously your breath is going to change. So your activity is going to influence your breath and vice versa. ओके उस स्टेट में आप प्राणायाम नहीं करेंगे. आप सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते यू नॉट गोइंग टू बी टेकिंग डीप ब्रेथ्स बिकॉज द बॉडी इज वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, इट इज गोइंग टू चेंज द ब्रेथ. सो द बॉडी एंड द ब्रेथ आर कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर. दैट इज समथिंग वी नीड टू रिमेंबर. नाउ वॉट डज प्राणायाम हेल्प यू विथ? अब कभी भी मैं सीढ़ी चढ़ूंगी तो सांस तो मेरी फूलने ही वाली है, मैं प्राणायाम करूं या मैं प्राणायाम ना करूं. लेकिन अगर मैं रेगुलरली प्राणायाम करती हूँ, हम वो रेगुलरली अभ्यास करते हैं, इट स्ट्रेंथन्स योर लंग्स, इट स्ट्रेंथन्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, विच मीन्स दैट यू मे नॉट फॉल सो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ दैट यू कोलैप्स और दैट योर ब्लड प्रेशर गोज फॉर अ टॉस. इट ऑल्सो एड्स योर रिकवरी. नाउ डिफरेंट पीपल, आप चार लोग समझिए कहीं पे जा रहे हैं एंड यू आर ऑल ट्रेकिंग, आप किसी माउंटेन पे चढ़ाई कर रहे हैं, तो हर किसी की सांस अलग बिहेव करेगी बेस्ड ऑन देयर ऑप्टिमम लेवल एंड द वर्किंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द रिकवरी टाइम विल वेरी. जैसे हमको बुखार भी आता है ना, बुखार हर किसी को आता है, कोई दो दिन में बैक टू नॉर्मल हो जाता है, किसी को थोड़ा लंबा समय लग जाता है. द रिकवरी टाइम डिपेंड्स ऑन हाउ योर बॉडी इंटरनली इज, ऑर्गन्स की क्या हालत है, सिस्टम्स कैसे परफॉर्म करते हैं. सो प्राणायाम इज डीपली इंटरलिंक्ड विथ योर overall health and your immunity and your recovery rate, which is why also pranayama is important and something that we should be practicing on a regular basis. Okay, the other thing that influences breath very deeply are our emotions. Hamara jo emotional state hai, hamare jo experiences hain, wo hamari breath ko bahut deeply influence bhi karte hain aur control bhi karte hain. ओके तो जैसे जब कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, आपको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है और आप लेट हैं, तो आपकी बॉडी जो है ना वो अलग तरीके से काम करती है. या कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, आपके फैमिली में लेट्स से कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, उसका आपकी बॉडी पे, आपके इमोशन पे, आपके ब्रेथ पे असर पड़ता है. राइट, वी ऑल एक्सपीरियंस दैट. तो वो जो है वो भी हमको इम्पैक्ट करता है. नाउ यस्टरडे सोशल मीडिया वॉज रिप्लीट विद इमेजेस एंड वीडियोज ऑफ रॉजर फेडरर्स लास्ट मैच एंड वी सॉ हाउ इमोशनल ही हिमसेल्फ वॉज. ओके सो दैट इज समथिंग, इट हैज इम्पैक्टेड सो मेनी पीपल दैट इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, विच इज वाई अगर कंटिन्यूअल पीरियड, यू नो, फॉर एन ऑन गोइंग पीरियड इफ वी आर स्ट्रेस्ड लाइक वी वर इन द थिक ऑफ द पैंडेमिक, you know, because so many people, we heard so many instances, hamari umar ke log bhi bimar hain, hospitalized hain, hamare family mein koi bahut takleef mein hai. So it was a prolonged period of stress.
And a lot of people now are realizing that it has impacted their mental health also. तो उसका हमारे शरीर पे तो असर पड़ा ही है, हमारे मन पर, हमारे इमोशन पर भी असर पड़ा है, जो शायद हमको इंस्टेंटली पता नहीं चलता है, बट सूनर और लेटर वी स्टार्ट टू सी द डिफरेंस इन आवर बॉडी एंड इन द वे वी ऑपरेट. करेक्ट. सो द ब्रेथ इन्फ्लुएंसेस फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो एंड द इमोशनल स्टेट ऑल्सो अफेक्ट्स द ब्रेथ. सो इट इज अ टू वे स्ट्रीट. जो आपकी फिजिकल कंडीशन है वो आपके ब्रेथ को इन्फ्लुएंस करेगी एंड वाइस वर्सा. आपकी ब्रेथ जो है वो आपके इमोशंस को इम्पैक्ट करेगी एंड इट इज अ टू वे स्ट्रीट. दोनों तरफ ही आदान प्रदान जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है. अब ये जो होता है ना कि हमारी ब्रेथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू आर इमोशंस इज थैंक्स टू समथिंग नोन एज द ऑटोनॉमस ब्रेन. Now, when we hear the word autonomous, we think of institutions like schools and colleges. These are institutions जो सरकार के ऊपर dependent नहीं है, वो अपना curriculum खुद set करते हैं, खुद अपने हिसाब से examination लेते हैं और degrees या diplomas award करते हैं. They are not answerable to anyone. Our autonomous brain is also like that. So when we think of the mind, when we think of the brain, we usually think of rationality, we think of intelligence, we think of something being in control. And yet there is a very significant part of the brain which is called the autonomous brain, part of the limbic system. You Google these terms, you will get a lot of information. Now there are three aspects or three areas of the brain which are a part of the limbic system. So just to share it very briefly, usko hypothalamus, hippocampus aur amygdala, ye teen cheeze hain. There are these three centers of the brain that are the storehouse of memories and experiences. तो जो भी हमारे emotional experiences होते हैं ना वो यहाँ पे stored रहते हैं हमारे subconscious mind के अंदर. तो पूरा time उठते बैठते हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं, but whenever we are in a similar situation then those memories come to the forefront. Okay, so for example think of someone who is a very close friend of yours. All right, and you've had very good memories with this person, very good memories. The moment you see that person's name flashing on your phone, aap dekhte hain ki are mere us friend ka phone aa raha hai. Automatically, aapne abhi phone answer bhi nahi kiya hai. Aapko pata bhi nahi hai ki wo phone kyun kar raha hai ya kar rahi hai, but you feel good automatically because that you've had good memories with that person. So it is stored in your brain very safely. That is why when we are in trouble, when we are feeling low, we call somebody whom we share a good rapport with. We don't call somebody jo humko pata hai ki humko do baatein sunane hi wala hai. Right? That is how we operate on a day-to-day basis. We may not realize it, but it is all set. It is all pre-programmed and conditioned in a very strong manner. Wo conditioning ko chudana ek alag baat ho jati hai. Okay? So, जो भी हमारे responses होते हैं ना, they are triggered from the limbic system, from the autonomous brain. उसका logic से कोई लेना देना नहीं है. That is why they say कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो deep breathe, you know, calm down. ताकि जब आप respond करो, तो आप गुस्से से respond ना करो, आप थोड़ा सोच समझ के अपने response को frame करके करो. Because हर situation में गुस्सा करना हमको पता है how it backfires. Which is why all these things that are said, these coping mechanisms, they are rooted in science. They are rooted in the way we are designed and the way we function. Which is why they make so much sense. So, hum bhi, you know, we get fortunate. I'm sharing my own experience. Agar mujhe kisi se gussa aata and I call that person immediately, ke abhi, you know, iski khabar leti hu. If that person does not respond, I get time to change my response. So, you know, sometimes it becomes important to buy that time. कि थोड़ा वक्त गुजर जाने दें, थोड़ा दिमाग शांत हो जाए, तो थोड़ा सिर्फ autonomous brain ही पूरा हावी ना हो जाए, and you're able to monitor your response and make sure that you don't cause any long-term damage to that relationship by changing your response effectively. Okay? So I'm hoping that all this is clear and it is making sense. If everybody could just give me a thumbs up and keep that thumb up for some time because I need to scroll through the screens to see that. Okay, excellent. Good to see so many people and so many people registering. So ab jab aapko ye pura mechanism samajh mein aa gaya hai, we are going to do two exercises. Exercise not as in physical kasrat,
बट एन इमोशनल एंड अ मेंटल एक्सरसाइज. तो मैं पहले आपको एक्सरसाइज का पर्पस समझा देती हूँ, उसके बाद यू कैन गेट इनटू इट. आई होप एवरीबडी इज कम्फर्टेबल विद द लैंग्वेज ऑल्सो. कुछ लोग हिंदी में ज्यादा कम्फर्टेबल है, कुछ लोग इंग्लिश में, सो आई एम ट्राइंग टू ब्लेंड द टू. फिर भी अगर कुछ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज संकोच मत करना. ओके, डू नॉट हेजिटेट. आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम. हमने आपका संडे मॉर्निंग का टाइम मांगा है और आप वो टाइम निकाल कर आए हैं, सो वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट एंड वी वुड वॉन्ट यू टू टेक अवे अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन. सो इफ देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, please unmute and ask before you embark on the exercise, because I want you to benefit from this exercise. Also, in the course of these exercises and also in the following sessions of pranayam, if you attend them, there will be a lot of silence involved. Okay, you have to be comfortable with silence to be able to make the most of pranayam. क्योंकि जब तक आप, शिफाली ने बहुत ब्यूटीफुली लास्ट टाइम हमको ये बात शेयर की थी कि यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो प्राण. तो जहां पर आपकी दृष्टि होती है, सी वी कीप आर आईज ओपन एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिम्युलाई अवेलेबल. हम कुछ देखते हैं, हम कुछ सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका इंटरनल अवेयरनेस थोड़ा सा लो रहता है, बिकॉज एक्सटर्नली देयर इज सो मच हैपनिंग दैट इज कैचिंग योर अटेंशन. तो जहां आपकी दृष्टि जाती है वहां पे आपका मन जाता है, वहां पे आपका ध्यान जाता है. जहां पे आपका ध्यान जाता है वहां पे आपका प्राण, आपकी जो पूरी एनर्जी है, द वाइटल लाइफ फोर्स, वो वहीं पे एंगेज हो जाता है. विच इज वाई व्हेन वी आर इन अ नेगेटिव सिचुएशन और एनवायरमेंट, वी कम बैक फीलिंग सैड एंड इमोशनली ड्रेन्ड. फिजिकली आपने कोई काम नहीं किया हो, लेकिन आपने कोई झगड़ा देख लिया, आपने सुन लिया, आपने विटनेस कर लिया, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू. And it may make your energy go low, your prana go low, right? तो आज के इस एक्सरसाइज में भी और आगे के सेशंस में भी हम कहेंगे कि आंखें बंद करके बैठिए और आंखें खोलिए मत. जब तक आपसे कहा नहीं जाता है तब तक प्लीज आंखें बंद रखिए, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टर्बिंग ट्रांजिशन हो जाए. सो टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, somebody I think may have unmuted by mistake, so just please make sure that you all are on mute. ओके, तो आंखें बंद रखना है. और कभी कभी आई विल गिव यू मोर टाइम, मैं भी नहीं दूसरे टीचर्स भी जो आगे सेशन करेंगे, दे मे रिमेन क्वाइट डेलिबरेटली बिकॉज दे वांट यू टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ. ओके, तो क्योंकि ये ऑनलाइन मोड है तो आपको लगेगा कनेक्शन तो नहीं चला गया, मेरा वाईफाई तो बंद नहीं हो गया. जस्ट बी पेशेंट, जस्ट बी काम, आपको वो टाइम दिया जाएगा. और बहुत समय हो गया तो बीच में कहा भी जाएगा कि थोड़ा और समय हम शांत रहेंगे. Okay, so I will just explain the first activity to you. It is basically the same activity that we are going to do in two different ways. So what we are going to do is, we are going to recollect some incident from our life and experience. And while recollecting that incident, first we recollect the incident, the fine details, all the details that we can remember. Then after we have recollected everything at the emotional level, we are going to take our attention to how it is impacting the body and the breath. Okay, simple hai ki aapko main kahungi, main aapko instruct karungi, tab aap apni zindagi se juda hua koi ek incident jo hai, koi ek yaad jo hai, usko aap recall karenge taki wo aapke conscious mind mein aa jaye. और पूरा डिटेल में उसको याद करने के बाद में वो आपकी बॉडी पे अभी क्या असर कर रहा है और आपके इमोशन पे और ब्रेथ पे क्या असर कर रहा है, उसकी तरफ हम ध्यान ले जाएंगे. सो प्लीज सिट कंफर्टेबली. अगर आप अब तक एक ही पोजीशन में थे, कहीं पे कुछ तनाव लग रहा है फिजिकल लेवल पे, यू हैव टू बी फिजिकली कंफर्टेबल टू बी एबल टू गो थ्रू दिस एक्सरसाइज. तो एकदम आराम से बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए. और अब जब तक ना कहा जाए तब तक प्लीज आप अपनी आंखें बंद रखिए. Okay, just take a few moments, just become aware of whether you are physically comfortable, whether you are ready for this exercise. We'll just take a few moments for that before I give you further instructions. Now here is what we will all do. Recollect one incident from your life that had immobilized you or kept you
रिस्ट्रिक्टेड इन सम वे. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी बचपन में आप गिरे थे, आपको कोई इंजरी हुई थी, आपको कोई माइनर फ्रैक्चर हुआ था, थिंक ऑफ समथिंग दैट वॉज नॉट मैसिव, नॉट मेजर. कोई बहुत बड़ी घटना को इस समय आप याद ना करें, कोई छोटी मोटी घटना आप याद करें. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी माइग्रेन आया था विच कोइंसाइडेड विथ लाइक अ मेजर एग्जाम और समथिंग, ऐसा कुछ याद करिए, कोई छोटा सा एपिसोड, और प्लीज आंखें बंद रखिए. ऐसी किसी घटना को आप डिटेल में याद करिए. उस समय आपके क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या परिस्थिति थी जब ये घटना आपके साथ घटी. ट्राई टू विजुअलाइज इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज. जैसे हम कोई वीडियो रीप्ले करते हैं दोबारा देखने के लिए, वैसे अपने मेमोरी के स्टोर हाउस में से उसको बाहर निकालिए. अगर आप याद कर सकते हैं कि आपने, अब मान लीजिए आप गिरे थे, व्हाट वर यू वेयरिंग फॉर एग्जांपल, आप किस जगह पर गिरे थे, यू नो, या आपको अगर कहीं पे अचानक दर्द हो गया था, कोई स्पैज्म हो गया था, तो शरीर के किस हिस्से में हुआ था, वो चोट कितनी मामूली थी या कितनी गहरी थी, लेट्स से थोड़ा खून बहा था, नहीं बहा था, उसके बाद आपने क्या किया था, व्हाट वाज योर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर दैट, डिड यू गो टू अ डॉक्टर, डिड यू गो टू योर मदर, हु हेल्प्ड यू. Just recollect the whole episode in as much detail as you can. And stay with that. Stay with that. Feel it as if it is happening right now. Stay with it. Let it replay in your mind. Maybe some new details will come up. Now, as that memory has been brought back to your consciousness, start scanning through your body and your breath. Do you feel any tightening anywhere in the body? Ask yourself. अपना ध्यान ले जाइए शरीर के एक एक हिस्से में और अपने आप से ये समझने की कोशिश करिए कि क्या सबकॉन्शियसली बॉडी कहीं से टाइट फील हो रही है. क्या मेरे फेशियल मसल्स, इज माई फोरहेड क्रीज्ड, इज माई जॉ टाइट, डू आई फील एनी फिजिकल टेंशन. What is my breath like at the moment? मेरी सांस इस समय कैसी चल रही है? एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जैसी थी वैसी ही है या उसमें कोई चेंज आया है? Take some time. You need not necessarily change what has happened. You just need to take stock and understand if anything has changed. Has my posture changed? Has my mood changed to some extent? Am I wishing ke kaash maine ye yaad nahi kiya hota? Now that you have gone through this activity successfully, you will keep your eyes closed. आंखें आप बंद ही रखेंगे और एक बार अभी जो हमने experience किया है उसको हमको थोड़ा side में रखना है. तो अब हमको उसको जो memory के एकदम forefront में आ गया है, now we want it to go back to neutral. To take it back to neutral, wherever you had sensed tension in the body. Or right now, if you sense tension anywhere, consciously release it. अगर आपको ये भी लगता है कि अब मेरे पैर थोड़े से जम गए हैं, I feel needle and pin sensation, my legs have gone numb, you want to do movement to release that, gently move. Move, relax yourself.
एंड अगेन सिट बैक कंफर्टेबली. सम ऑफ यू मे रियलाइज दैट इन द कोर्स ऑफ द एक्सरसाइज आपकी पीठ जो पहले सीधी थी दैट हैड स्टार्टेड स्लाउचिंग. आई एम सेइंग दैट बिकॉज आई एम लुकिंग एट द स्क्रीन्स एंड द वीडियोज दैट आर ऑन. सो आई कुड सेंस दैट ऑन अ कपल ऑफ स्क्रीन्स. तो अगर आपकी पीठ जो पहले सीधी थी अब वो राउंड हो गई है उसको फिर से सीधा कर लीजिए. Make sure your spine turns upright again. Consciously relax your breath. Take a couple of slow, deep breaths. Bring your awareness to the present, to the breath. जितना आपका ध्यान अपनी सांस की ओर लौट आएगा उतना आपका एक्सरसाइज पे जो फोकस था वो बैकग्राउंड में चला जाएगा. सो कम बैक टू द प्रेजेंट, फोकस ऑन योर ब्रेथ, मेक श्योर दैट द ब्रेथ फ्लोज वेरी फ्रीली. आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू मोर सेकेंड्स टू कम बैक टू दिस स्टेट before we repeat the exercise in a different manner. Now that you have successfully come back to the present, we are going to repeat this exercise with a new set of instructions. This time, I want you to recollect a very big, happy incident or occasion from your life. It can be something that gave you a lot of joy. Kuch aisa jisne aapko bahut khush kiya tha. It can be an accomplishment in your personal or professional life. It can be something as special as the birth of your child. Something which was massive for you. बहुत बड़ी घटना जिसने आपको बहुत खुश किया था. डिटेल में उसको याद करिए. जब वो ओकेजन आने वाला था, अगर वो पता था, जैसे प्लान्ड था, जैसे शादी प्लान्ड होती है, जैसे चाइल्ड बर्थ प्लान्ड होता है, तो उस समय आपकी क्या स्थिति थी, यू नो, क्या आप एंटिसिपेट कर रहे थे, हाउ एक्साइटेड यू वर, हाउ यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. इट कुड बी द बेस्ट वेकेशन और हॉलीडे ऑफ योर लाइफ, यू नो, जो आप बहुत सालों से प्लान कर रहे थे, आपकी इच्छा थी, फाइनली इट वॉज हैपनिंग. वॉट वॉज योर स्टेट ऑफ माइंड ड्यूरिंग दोज डेज. रिकॉल द डिटेल्स, फाइनर डिटेल्स. आप कहाँ गए थे, वो क्या जगह थी, आपने क्या पहना था, आपके साथ कौन लोग थे, ओवरऑल माहौल कितना अपबीट था, द वाइब्रेशंस वर सो पॉजिटिव. It filled you with joy. कण कण आपका उससे खुश था. Recollect the details. The more you go into the details, the better it is. The more immersive your experience with this exercise will be. Stay there. Stay with that memory for some time. Details याद करिए. अगर वो कोई पार्टी थी तो खाना कैसा था, आपके दोस्त साथ में थे तो वो कौन थे, यू नो, वट एवर यू सिलेक्टेड, उसकी डिटेल में जाइए. फिर से रीप्ले करिए, अपनी आंखों के सामने उसको रीप्ले करिए. छोटी से छोटी बात याद करिए, उसको रीलिव करिए. आपको फिर से उसको जीना है, उस लम्हे को या उन मोमेंट्स को. यू हैव टू रीलिव दैट अगेन. नाउ
Now that you have relived it beautifully, first of all, pay attention to your facial muscles. Don't change them. Simply become aware. Some of you will realize that you are smiling. Keep that smile on as long as it wants to be there. आप में से कुछ लोग मुस्कुराता हुआ पाएंगे खुद को. चेहरा आपका रिलैक्स्ड है. अब शरीर की ओर ध्यान लेकर जाए. स्कैन योर बॉडी. व्हाट डज इट फील लाइक? यू हैव टू फाइंड द आंसर टू दैट. फाइंड समथिंग दैट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द बॉडी, द स्टेट ऑफ द माइंड, योर इमोशंस राइट नाउ. You've recollected something that was very special in your life. Now, take your attention towards your breath. What does the breath feel like right now? Right now, we are not going to change the breath. We are simply going to gain awareness. Is samay meri saans kaisi chal rahi? अब धीरे से गहरी लंबी सांस भरें, धीरे धीरे रिलीज करें. और जब भी आप तैयार हों, बहुत आराम से अपनी आंखें खोलें. यू मे स्लोली ओपन योर आईज वेरी जेंटली वेन एवर यू आर रेडी. डू नॉट फोर्सफुली ओपन योर आईज. टेक इट इजी. लेट द बॉडी डिसाइड. Now, this is the stage where I would really like to hear from you. All right. So, whoever wishes to volunteer, we have some time. We also have some more ground to cover. Thoda aur mujhe aapke saath kuch share karna hai. But usse pehle main aapse sunna chahti hu. So, I would like to take at least two, if not three, people's experiences. So, whoever wishes to volunteer, please unmute and share. सब अपने ही लोग हैं और जो भी आप शेयर करने वाले हैं वो लगभग सभी ने एक्सपीरियंस भी किया है. बस इतना है कि कुछ लोग आर्टिकुलेट करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे, बट इट इज अ शेयर्ड एक्सपीरियंस. सो हूएवर विशेस टू शेयर. कविता जी, डिड यू अनम्यूट मैम डेलिबरेटली? ओके ओके. सो प्लीज मैम, वी वुड वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू. थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग. Migraine triggered a memory, and I realized why I'm finding it difficult to travel on the road. Ma'am, just one request. Your voice is not very clear, ma'am. It is sort of breaking. Could be because of the network, or maybe if you could stand a little more closer to the device, perhaps we may be able to hear you better. Please bear with us for some time, everyone. Ma'am, I'm sorry, you're breaking off a lot, ma'am. So we're not able to make sense of what you are saying, unfortunately. So let me do one thing. Let me take somebody else's experience now, and maybe we'll come back to you. I see Vishal unmuting, so we will go with Vishal. Yes, Vishal. Yeah, hi, Salim. Hi. So I've had this very bad experience once in a flight where there was too much turbulence. So that was the most challenging time. So when I was just recalling that, my entire neck became very stiff, and I could also sense a little bit of difference in my breath. And once I recalled the good incidents, which was a surprise to my sister in the US, and how the emotions were, in a matter of time, this became relaxed, and there was a smile, which I realized later. So we get the point you were trying to make, that how these instances change your body and breathing so immediately, and such a big impact it has. It was really something which we didn't think it impacts so much, but it really did. Okay, thank you so much for sharing, Vishal. So well put. Thanks a ton. Okay, we'll take somebody else's experience now. Anyone who would want to volunteer,
प्लीज अनम्यूट एंड शेयर. रेणुका जी आपने अनम्यूट किया है. यस प्लीज प्लीज कंटिन्यू. कैन यू हियर मी क्लियरली? यस आई कैन हियर यू वेरी क्लियर. व्हेन यू सेड to remember an incident which had been a tough one during COVID, I was very unwell for a couple of days. So I realized that my heart was pounding, not the way when it pounds when you are in a hurry, but a slower pound. And my fingers went numb. And when I remember the incidents which was to do with the birth of my daughter, this disappeared. And there was a very light feeling which I felt on my face, my entire body, it went light. So a big difference from one situation to the other, which I realize can go to the remotest of your body parts. Thank you so much, Renuka ji. You shared something very personal and very something that I'm sure everybody could relate to. Thank you for volunteering to share. Anyone else? We could take one more and we could also see if we can hear Kavita ji better now. Kavita ji, do you want to try again, ma'am? She was the first one to volunteer, so I would really want to hear from her. She is a very special student of mine. Yes, ma'am. It as you continue, we'll come to know whether the voice is clear. Yeah, when you said about migraine, why I'm scared of traveling my road. Scared as in I don't enjoy road journey, long road journey. I get very stressed out, my foot gets dry, and my lips become dry, and I don't enjoy the road journey as much as I would like to. And when I remember that actually, I was very calm, not intentionally, but it just calmed down me due to the situation, a few years ago, not that. Our family was together. It was a very special experience after very long. So we were all very happy and very calm and peaceful. So it was a very nice experience. And yeah, the breath changes. It's so surprising. One is aware of it, but now it is a good reminder of it. And it's really, I mean, one can switch, I feel, when one is in a special situation. Think of a happy memory and calm. Thank you so much for sharing, ma'am. You may go back on the mute mode now. So from whatever I could understand, the first one you thought about was migraine and how you relate to that and associate with it. And then you thought of a very happy incident which involved the entire family and how you could feel the switch happening. So yes, that is what we are all talking about. One last, would anybody want to volunteer and share? And even if you don't share here, if you're into journaling or if you like to record experiences, maybe you can record it in your own way, or at least it will stay with you. Your body and breath will remember it, and the limbic system will also remember it. But if anybody wants to voice it out right now, we have time for one more. Yes, Asmat. So, Salima, I had a very different experience. Both times, and I found myself to be, you know, unable to decide which one incident that, you know, so it was quite an emotional experience for me, and I really don't know how to put it. So both time I had to focus only on one thing, and it became a little tough for me. So, but It is quite an overwhelming thing for me right now. Okay. I can sense that. Are you trying to say that the time when I asked you all to think of something which was not very pleasant, that time also something major came up, and then the other time also you were sort of torn between the two? Is that what you're trying to say? Yes, that's what I'm trying to say. All right. So that in those situations, it is natural to feel overwhelmed. And thank you for sharing. Thank you for not holding back, thinking, "Arey, sabka sahi ho gaya, maine hi gadbad kar diya." So I really appreciate sharing that. This can happen. And other thing I want to tell is, I realized that when you focus, like I was torn between both times, which one to pick, and then think about it. But eventually I managed to pick
pick one, and then because the time was like quite a lot to think about it and realize that, okay, if I just focus on one thing, then I will be able to go through. But yes, I think personally, I'm an emotional person. So it just, this is what I wanted to share because I don't know about others. But yeah, I like to be honest with my experience and I really wanted to share it with you. So, I am very glad. I'm very glad you shared it, Asmat. In fact, you have beautifully completed the exercise, you know. So I was going to come to these things aur aapne mera kaam bahut aasan kar diya hai. So we will realize, you know, what I said earlier, that you have to be comfortable with silence. Unless there is silence, you cannot dig deeper inside you. And there are aspects of our life and our personality that we don't want to face. This holds true for everybody. हमने ऐसा बहुत कुछ किया होगा जो हमको पता है कि सही नहीं था, तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन तो उसको आइडेंटिफाई ही नहीं करता है. वो बहुत अंदर कहीं एकदम यू नो तहखाने में लॉक करके रखा जाता है बिकॉज आर ईगो डज नॉट वॉन्ट टू एक्नोलेज दैट. All right. Another thing, I'm not saying all this holds true for Asmat. I'm just using that as a talking point and taking things forward. Another thing that happens is that what she mentioned, very important point about focusing. There are so many things that have happened with us already, and there are so many that will happen in the future. But the power lies in being in the present, in being able to focus on those things that are going to be productive for us in the future. Which is why before every class, every time I conduct a yoga class, I start with conditioning. And a lot of teachers will do that so that you come in the present moment. And which is why I say that you focus on the productive thoughts so that the unproductive thoughts start, you know, going into the background so that you can make the most of the present. Okay. So all of you must be overwhelmed or feeling a certain way, and that is absolutely okay. What I particularly appreciate about Asmat's experience is that she has realized something, she has learned something about herself as a person, which pranayam helps us all to do. It will take you within yourself, which is what techniques like Vipassana meditation also do. Because I have done it, I know what it does to you. Okay. It unlayers, it takes away a lot of layers of your experiences. It makes you see things for what they are. तो इसीलिए शायद बहुत लोग प्राणायाम से कतराते भी होंगे. हमको पता नहीं होता ये कॉन्शियस लेवल पे, बट वी स्टे अवे बिकॉज एक तो आपको एक ही जगह पे बैठना है, एक तो आपको बात नहीं करनी है, दूसरा आपको आंखें बंद रखनी है, तीसरा आपको बस सांस पे ही ध्यान देना है. देयर इज नो मोबिलिटी हैपनिंग. आई हैव फ्रेंड्स हू टेल मी आई कैन नॉट डू योगा यार, एक ही जगह पे बैठ के कितना करने का, मुझे मूवमेंट चाहिए, मुझे हार्ट बीट ऐसे बढ़ता हुआ चाहिए. टू ईच हिज ओन, बट प्राणायाम कॉल्स फॉर द सेम डिसिप्लिन फ्रॉम एवरीबडी. So it will take you within yourself and tell you things that your conscious brain may not recollect, but your amygdala and hippocampus has it very neatly saved. There is nothing lost from there. Okay. Another very important thing which Renuka ji said and came to my mind was that the yogic technique of pratipaksh bhavna, what Vishal also shared, what Kavita ji also shared. Vishal said ki wo flight yaad ki to gardan ekdam jo hai meri wo stiff ho gayi, and I could feel tension here, and the moment I thought of a happy moment, that went away. Renuka ji also said that my fingers were numb and you know I felt so uncomfortable, and the moment I recollected the birth of my daughter, it all vanished. So how the body, the mind, the breath, the emotion, they are all interlinked, which is what the technique of pratipaksh bhavana tells us. Ki jab kabhi aap kisi aise daur se guzar rahe hain ya koi abhi kuch aisa hua hai, unpleasant hua hai, to aapke paas mein ye technique hai pratipaksh bhavana ki, that you can put that in the background and you can recollect something or a thought which is going to trigger a pleasant emotion or memory. The idea is not to escape out of situations. For example, when there is a medical emergency, up, for example, let's say ghar mein kuch ho gaya, koi bachcha gir gaya ya koi bada gir gaya, you have to spring into action. Aapko kuch karna padega na. Agar us samay aap bhi stress mein aa gaye, aap bhi freeze ho gaye. So there is, that was my next point.
The nervous system comprises of two very important aspects, the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system jo hai, wo hamara fight, flight ya freeze mode ko on kar deta hai. Jaise hamare cell phone mein features hote hain aur hum unko on off kar sakte hain na, similarly waise hi kaam karta hai. Ek trigger response hota hai. To agar koi emergency situation hai and you have to take charge, उस समय अगर आप ही बहुत स्ट्रेस्ड और ओवरवेल्म्ड हो गए, then how will you take action? Your body's stress mechanism will come into play. Cortisol जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा. तो आपने देखा कि अरे यू नो, सो इफ यू हैव सीन द मूवी मुन्ना भाई MBBS, विच मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव, सो द डीन ऑफ द कॉलेज दैट इज प्लेड बाय बमन ईरानी, हिज कैरेक्टर जो वो ओरिएंटेशन करता है ना नए स्टूडेंट्स का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि मैं सर्जरी करता हूं, मैंने कितने ही लोगों की सर्जरी की है, बट इफ आई हैव टू ऑपरेट ऑन माय डॉटर माय हैंड्स आर गोइंग टू शिवर बिकॉज देयर इज एन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हैपनिंग. यू आर थिंकिंग कि अरे मैंने इससे पहले लाख लोगों के ऊपर सर्जरी की होगी, सेम सर्जरी की होगी, बट ये मेरी बेटी है, सो माय इमोशंस आर इन्वॉल्व. व्हाट इफ आई गो रॉन्ग? He will not think, what if I go wrong, if he is operating on somebody he is not related to emotionally. But here the daughter is involved, a father's emotion is involved. So that stress is on. And in that stress, he is more likely to make mistakes. So he will not take a chance. He will send her to some other surgeon. You getting my point? That is the sympathetic nervous system जो fight या flight या freeze mode को on कर देगी. इसीलिए कभी अचानक से गाड़ी speed में आती है तो हम वहीं पे खड़े रह जाते हैं. हमको move करना चाहिए but जैसे हमारे पैर जम जाते हैं because that fear takes over. Now there is the parasympathetic nervous system. This came into play when you did the exercise the second time. तो पहली बार आपने कुछ ऐसा याद किया जो आप याद नहीं करना चाहिए आपको, तो आपके शरीर और ब्रेथ में अलग रिस्पॉन्स आया, क्योंकि जो मेमोरी उसके साथ एसोसिएटेड है इट इज नॉट अ फेवरेबल और प्लेजेंट मेमोरी. देन यू थॉट ऑफ अ मैसिव हैप्पी एक्सपीरियंस एंड दोस पेन्स वैनिश्ड. यू कुड सेंस योर फेस रिलैक्सिंग, यू कुड सेंस अ स्माइल ऑन योर फेस. आपने सोचा नहीं था अभी इस एक्सरसाइज में मुझे स्माइल करना है, इट हैपेंड. ऑटोनोमस ब्रेन, वो किसी के लिए रुकता नहीं है बॉस, वो अपनी मर्जी का मालिक है. So it will come into play on its own. So parasympathetic nervous system jo hai, uska kaam hai rest and digest. Isiliye jab hum bahut chinta mein hote hai na, hum khana kha bhi lena, wo hamare sharir ko lagta nahi hai. That is why in a lot of stress, existing conditions or illnesses will worsen. Stressful episode aaya, diabetes hai pehle se, sugar level aur badhega. Blood pressure hai, blood pressure level aur badhega. अगर स्ट्रेस का फेज चल रहा है तो कैन वी कंट्रोल द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? वी कैन नॉट. हमको नहीं पता कि घर में कब इमरजेंसी आने वाली, हमको नहीं पता था कोविड नाम की कोई चीज हम अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करने वाले, पर वो हुआ. सो व्हाट कैन वी डू? वी कैन स्ट्रेंथन आवर कोपिंग मैकेनिज्म्स. सिचुएशन आउटसाइड सिचुएशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, बट द वे वी रिस्पॉन्ड टू इट, the way we process it here, everything is here and everything plays out in the body from here, which is why we have a term called psychosomatic. So beautiful what Renuka ji shared, so important and pertinent. Fingers went numb, heart was pounding just by memory of that time. Abhi ho bhi nahi raha hai wo present mein. To jab wo memory se recall ho raha hai tab sharir pe ye asar hai. तो जब प्रेजेंट में होता है तो हम कितने ओवरवेल्म हो जाते हैं, कितने पावरलेस फील करते हैं. ओके, सो टू ओवरकम दैट व्हेन वी प्रैक्टिस, व्हिच इज व्हाई होलिस्टिक हेल्थ मैटर्स. शारीरिक लेवल पर तंदुरुस्त होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक लेवल पर अगर आपको रोज पेन से लड़ना पड़ रहा है, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर इमोशंस, इट इज गोइंग टू ट्रिगर योर रिस्पॉन्सेस, एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट नॉट जस्ट यू बट ऑल योर फैमिली मेंबर्स, योर कलीग्स, हूएवर यू इंटरैक्ट विद. एनीबडी हूज बिहेवियर यू डू नॉट लाइक, इट हैज इट्स रूट इन द बॉडी, इन द माइंड, इन दोज मेमरीज, इंक्लूडिंग आवर ओन रिस्पॉन्सेज एंड द वे वी बिहेव. ओके, तो जब हम प्राणायाम करते हैं, रिमेंबर इट इज अ टू वे स्ट्रीट.
इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर गुस्सा आ रहा है टेक डीप ब्रेथ्स, गहरी लंबी सांसें करो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो गुस्सा है उससे ध्यान हटा के वो आपको फिजिकली एक काम पे लगा रहा है, वो आपके पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओर शरीर के रिस्पॉन्स को लेके जा रहा है. सो इट विल रिलीज हैप्पी हॉर्मोन्स. जैसे कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हॉर्मोन, देयर इज एन एक्रोनिम फॉर हैप्पी और फील गुड हॉर्मोन्स कॉल्ड DOSE, डोस. देयर इज डोपामिन, देयर इज ऑक्सीटोसिन, देयर इज सेरोटोनिन, देयर इज एंडोर्फिन्स. तो ये वाले हॉर्मोन्स शरीर में आते हैं, इसीलिए बिना सोचे समझे आप मुस्कुराने लगे. There was no plan, no, to smile. Your body just ended up smiling, right? So the breath influences it. जैसे शरीर breath को influence करेगा, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो सांस चढ़ेगी. जब आप breath को शांत रखेंगे, वो शरीर को calm state of mind में लेकर जाएगा by triggering the action of parasympathetic nervous system. Which is why मैं आपसे yoga class में कुछ भी करवा लूँ, शवासन के बाद सब कुछ माफ हो जाता है. Because in Shavasan, your body is happy, your mind is at ease. That is the power, that is the beauty. And now that we have this knowledge, and you experienced it in the course of those 5 minutes of activity, we hope that in the classes that follow, you will remember this, you will be able to use it to your advantage. Aur zaruri nahi hai ki aapko ye karne ke liye apne din ka ek ghanta nikalna hai. You spent what, 5 minutes cumulatively, 5 to 7 minutes, dono activity karne mein aapne lagaye. To hamara uddesh ye hai ki aap ye class attend kare ya na kare, aap regular kar paye ya na kar paye, lekin apne daily life mein aap isko implement kar paye. Kisi bhi yoga ke upar itna jo sahitya hai, itna literature hai, there are so many books, so many classics. Of course, they say that you should be regular in your asana practice. You should be regular in your pranayam sadhana. But it also says that it should be a part of your life. It is not something that you get dressed for, lay out a mat for, and then you do it for that dedicated hour. Aur baki ke 23 ghante uska koi relevance nahi hai. This is about your body and breath. That is where you live, boss. Yeah. So it is a part of you at every breath. So we hope that after this experience and knowing what you know after this session, you're able to implement that in your regular life. And on that note, I come to the last bit of today's session. Yoga ko bahut alag alag tarike se, matlab yoga ki jo vidya hai, jo science hai, jo pura experience hai, usko alag alag platforms par alag alag tarike se uske jo जो डेफिनेशन है, उसकी जो परिभाषा है, उसको शेयर किया गया है. लाइक लॉर्ड कृष्णा शेयर्ड इट इन द गीता, यू नो, ड्यूरिंग महाभारत. सो सिमिलरली देयर आर डिफरेंट क्लासिक्स, डिफरेंट टेक्स्ट, डिफरेंट लिटरेचर दैट एक्सप्रेस इट. नाउ वन ऑफ द की डेफिनेशंस ऑफ योग एज अ साइंस, एज एन एक्सपीरियंशियल साइंस, एज डिस्क्राइब्ड इन पतंजलि योग सूत्र, इज लाइक दिस. योग चित्त वृत्ति निरोधः. Okay, yoga, the science of yoga, what is the purpose? What does it do? Chitta is the mind, the whole thinking mechanism. Okay, ab har kisi aadmi ke dimag mein ek din ke andar hazaro vichar aate hain. Aur bahut sare wo jo vichar hai na, wo repetitive vichar hote hain. Every thought is not a new thought. It is one thought which is getting played on the loop. That is how anxiety happens. That is how a lot of things happen. Good things also happen, bad. That is why they say you visualize. There are books called Think and Grow Rich. Okay? There are books that tell you the secret, that tell you ki aapko jo chahiye na life mein, aap uske bare mein hi sochte raho. Because the universe is going to respond to the frequency of your thought. So if you keep thinking, I am going to become bankrupt, then you are attracting that. Okay? So there is a whole science behind it. So कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारे दिमाग में नॉन स्टॉप विचार चलते रहते, सम ऑफ विच विल हेल्प अस, सम ऑफ विच विल हार्म अस. ओके, तो योगा का जो उद्देश्य है, योगा चित्त वृत्ति, वृत्ति मतलब मॉडिफिकेशंस. नाउ देयर इज दिस ब्यूटीफुल एनालॉजी फ्रॉम द टेक्स्ट अगेन, कि जब यू नो व्हेन यू सिट बाय अ पॉन्ड एंड यू थ्रो अ स्टोन इनसाइड द पॉन्ड, इट इज गोइंग टू क्रिएट रिपल्स. है ना, आप पानी में पत्थर फेंकोगे, समंदर में नहीं, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी लहरें हैं, लेकिन जो पानी का सरफेस स्टिल है
उस पे अगर आप पत्थर फेंकोगे या कंकड़ भी फेंकोगे तो उसकी थोड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं, रिपल्स आर क्रिएट. सिमिलर थिंग्स हैपन इन आवर माइंड. द माइंड इज नॉट स्टेडी, इट इज नॉट स्टेबल. एवरी थॉट दैट कम्स क्रिएट्स अ रिपलिंग इफेक्ट एंड समटाइम्स अ डोमिनो इफेक्ट. डोमिनो इफेक्ट हम बोलते हैं ना, अगर ऐसे बाइसिकल स्टैंड है, बहुत सारी साइकिल्स खड़ी हैं, आप एक साइकिल को गिरा दो वो सारी साइकिल्स को गिरा देगा. करेक्ट? दैट इज वॉट हैपन्स एट द थॉट लेवल. Likewise happens with our mind. So the purpose of yoga is yoga chitta, matlab jo mind hai vritti, matlab usme jo rippling effects aate rehte hain, jo modifications hote rehte hain, stability nahi hai, jo instability hoti rehti hai, nirodha matlab usko rokna, us pe rok lagana. So the purpose of yoga sadhana, and when I say yoga, I'm not saying asan. Ashtang yoga has 8 limbs. If you want, you can ask me and I'll share a link with you where you can read about those 8 limbs. तो जब आप पूरी holistically योग साधना या योग का अभ्यास करते हैं तो आपके mind में, हमारे mind में जो वो thoughts बेबाक चलते रहते हैं non-stop, you know, and we get so bothered by them sometimes. We want them to stop and pranayam helps you do that. When you bring the attention to your breath, the number of thoughts go down. So apart from all the benefits at the physical level, the sthula sharir level, respiratory system improve ho raha hai, circulatory, digestive, parasympathetic nervous system, sab kuch ho raha hai. Uske saath saath mein, aapko apne thoughts se thoda relief mil raha hai. And you're able to also understand, take your awareness as to where are my energies getting focused. Or lost, or utilized, or wasted. That is the purpose of yoga. The purpose of yoga is not that you should be able to do a headstand and hold it for 5 minutes. It is way deeper than that, which is why it is said that yoga is a way of life. All right? On that note, I conclude my session. I've overshot the time already and I apologize for that. अगर आपके कोई सवाल है, अगर आपके कोई doubts हैं, then I will be happy to take them. Otherwise, we will conclude the session here. और आपको कुछ भी feedback share करना हो, तो we'll be very happy. आप में से ज्यादातर लोग मेरे पहचान के हैं, कुछ लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, आप शायद दूसरे teachers को जानते होंगे, and I'm grateful to you for becoming a part of this. तो आप किसी भी मीडियम से अगर अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हो तो प्लीज करें. वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वेदर वी आर टेकिंग दिस ऑन द राइट ट्रैक. तो अगर किसी को अभी कुछ नहीं कहना है तो वी विल कंक्लूड हियर. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम ऑन अ संडे मॉर्निंग इन इंडिया. नमस्ते. थैंक यू.